नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एएमआई न्यूज। मैं हूं आपके साथ महक रंधावा। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी और अहम खबर से, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पर दो आतंकियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। खास बात यह है कि मुठभेड़ एसएसपी ऑफिस के पास हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ आतंकी यहाँ हमले के इरादे से पहुंचे थे। इससे पहले कि वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देते, सुरक्षा बलों को इसकी भनक लगी तो टीमों ने आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया और अंधा धुंध फायरिंग जारी रही। कुछ ही देर बाद दूसरे आतंकी को भी ढेर कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक कुछ आतंकी बडगाम के कोर्ट परिसर में हमले के इरादे से पहुंचे थे। सुरक्षा बलों ने गुप्त सूचना के बाद इलाके को चारों तरफ से घेर लिया, इलाका खाली कराया गया, रोड को सीज कर दिया गया। इसके बीच आतंकियों को फंसने की भनक लगी तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। अंधाधुंध जो है वो फायरिंग जारी रही। आर्मी के जवानों, पुलिस और सीआरपीएफ की टीमों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू की। कुछ ही देर बाद एक आतंकी मारा गया। इस दौरान अंधाधुंध फायरिंग की गई, चारों तरफ गोलियों की आवाज जो है वो सुनाई दे रही थी। जिस तरह से लगातार फायरिंग हो रही थी उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इलाके में कई आतंकी हो सकते हैं। लश्कर तैयबा से जुड़े थे ये आतंकी। बडगाम एनकाउंटर में एडीजीपी कश्मीर ने बताया है कि मारे गए दोनों आतंकवादियों की पहचान हो गई है। आतंकी पुलवामा के अरबाज मीर और शाहिद शेख है। दोनों आतंकवादी प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े थे। कुछ ही दिनों पहले एक मुठभेड़ में ये बचकर निकल गए थे, इस बार उन्हें मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बडगाम में एनकाउंटर जो हुआ है, दोनों आतंकी मारे गए हैं। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।